हाँ जी अम्मी जी, जिंदाबाद पुत्र, मजा आ गई। तो हमारे दो पिज्जा रेडी है, अब तीन और बनेंगे। तो अभी सभा के पापा आ गए हैं, अम्मी भी आ गई है खबर लेने सभा की। ये देखो, ये हानिया का स्कूल और ये सलमान खान का घर। हानिया सलमान खान की पड़ोसी बन जाएगी, है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हानिया को लेके, हानिया का स्कूल में एडमिशन करवाने। क्या आप खड़े हो गए? अरे इतनी देर से आ रहा हूँ यार, मैं इतनी देर से गाड़ी लेके खड़ा हूँ धूप में। चलो चलो, छाँव में आके खड़ा हो गया। चलो 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 चलते हैं। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं और एडमिशन जो है हानिया का हो रहा है। नर्वस मैं हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों नर्वसनेस फील हो रही है। हानिया को तो स्कूल फन लगता है क्योंकि हानिया एक दो बार हमारे करीब में स्कूल है वहाँ पर गई है। वहाँ पर वो उसने झूले वगैरह देखे, बच्चों को खेलते हुए देखा। तो हानिया को तो लगता है स्कूल में बस मज़े करना होते हैं, झूले झूलना होते हैं, मज़े आते हैं। कुल मिला के बात ये, मज़े तो आएंगे स्कूल में लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा और फिर रेगुलर जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं तो यही चाहता हूँ हानिया का स्कूल में दिल लग जाए बढ़िया और डेली डेली स्कूल जाए और संडे को भी बोले स्कूल जाना है मुझे बस। तो ये स्कूल आ चुका है भाई, स्कूल की बाउंड्री है, गेट ये वाला अभी भी बंद है, फ्रंट गेट से जाना पड़ेगा। और ये सलमान खान का घर, सलमान खान के घर के पास ही है हानिया का स्कूल। अंदर आ चुके हैं भाई स्कूल के अंदर। तो ये ऑफिस है, अंदर चलते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं हानिया के स्कूल की यूनिफॉर्म और बैग। चलो चले, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा वो क्या हुआ? छोड़ दो, इसमें से इसको हेड का बैंड चाहिए। ये लो, ये चाहिए आपको। वाला पार्क रहेगा आपके स्कूल का, यहाँ पे खेलना आप, है ना, स्कूल आओगे जब। अभी तो बहुत धूप है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से अंदर जाना और मस्त अंदर खेलना। अंदर गार्डन है, झूले भी हैं, ये देखो झूला भी अंदर, यहाँ पे खेलना अच्छे से, है ना। ये देखो, ये हानिया का स्कूल और ये सलमान खान का घर। हानिया सलमान खान की पड़ोसी बन जाएगी, है ना। पर सलमान खान रहता नहीं यहाँ पर, यहाँ पर सलमान के चाचू रहते हैं। तो दोस्तों अभी हो चुका है जी अगला दिन। हम कल हानिया के स्कूल से फॉर्म लेकर आए थे, फॉर्म फिल करके हमें जमा करना है, आज छुट्टी है इसलिए कल जमा करना है। और आज हमारे यहाँ बन रहा है भाई बहुत दिन के बाद पिज़्ज़ा, वो भी चिकन वाला पिज़्ज़ा। इसका मसाला प्रिपेयर हो रहा है, इसमें मैरिनेटेड चिकन, कॉर्न और शिमला मिर्च डाली है। अभी और कुछ भी आएगा, टमाटर और ये ऑनियन भी आ गई है। तो बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा होने वाला है आज का। घर में हम पहली बार चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, अभी तक नहीं बनाया था, बाहर तो खाया है। अभी तक हमने सिर्फ वेज पिज़्ज़ा ही बनाया, चिकन पिज़्ज़ा। तो चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ये इसका बेस वगैरह सब रेडी है। तो पिज़्ज़ा खाए को बहुत टाइम भी हो गया है, काफ़ी टाइम से नहीं खाया। शायद पपन ने रमज़ान में ही बनाया था पिछली बार, पिछले साल रमज़ान में खाया था, इस साल बनना ही बनाया। तो अब बहुत दिन के बाद खाएंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर पिज़्ज़ा बन रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ सभा हो चुकी है, बीमार, तबीयत ख़राब है, इसको बोतल लग रही है। क्या हो गया फैजान? वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा लो है। वीकनेस ज़्यादा है, बीपी लो है, बीपी लो हो रहा है बहुत ज़्यादा। बीपी मेन तो बीपी ज़्यादा लो है, तो उन्होंने बोला है बोतल ही जाना पड़ेगी डॉक्टर। मेरे को लगा कांच टूट गया, बर्फ है पर ये। बेटा उसको मुंह में मत रखो, नीचे से उठा के मम्मा को दे, तो मम्मा को दे। अरे अरे मुंह में मत ले, भी सब पी जा, जा ले जा, तुम इसको ले जाओ उधर। तो इस वजह से बोतल लग रही है, बोतल लग रही है।
खाने पीने में बहुत रिजगल है, बिल्कुल कम खाती है, और डॉक्टर ने बोला बार बार खाते रहने की जरूरत है। आप घर में सब मौजूद है लेकिन ये बहुत मतलब इस खाने में भी आलसी आती है। अभी पिज्जा बना रहे हैं सबा के लिए। डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 टाइम खिलाओ इनको, 3 टाइम 4 टाइम। अच्छा मेरे ख्याल से अभी तुम घूमने गए थे, बॉडी का पूरा ग्लूकोज निकल गया उसमें। उसमें भी निकल गया ना? है ना? तो बीपी और ज्यादा लो हो गया उसकी वजह से। उसमें भी बोल रहा है ना, वो भी हम बात उसको मान रहे हैं। क्या गर्मी में पसीना आता है ना, पसीने से पूरा ग्लूकोज निकल जाता है, वही तो कह रहा, पूरा नमक निकल गया बॉडी में। फिर तबीयत खराब भी थी, टाइफाइड भी हो गया था, थोड़ी कमजोरी, वीकनेस तो थी सही है। और धूप तो इतनी थी, अच्छा अच्छा धूप तो बहुत खतरनाक है। अभी भी हम डॉक्टर के पास आए ना तो मतलब बहुत खतरनाक धूप है, मजे आ गए। चलो फिर कूलर चालू कर लो, ब्लॉग के चक्कर में कूलर बंद कर दिया हमने। चालू करो, बहुत ज्यादा मेरे को पसीना आ गया इतनी देर में। ये हमारा हाफ पिज्जा बन रहा है भाई अभी हानिया के लिए, छोटा वाला, बस खा ले हानिया तो दिल खुश हो जाएगा। बना तो रहे हैं तो अभी पिज्जा पास्ता सॉस लग रहा है अपने पिज्जा पे। ये वाला बहुत मस्त है यार, थोड़ा स्वीट टाइप में है, थोड़ा सा मीठा है और बहुत टेस्टी है, इसका बनेगा बहुत टेस्टी। हाँ हाँ, होममेड लग रहा है ना पूरा। अब इस पे थोड़ा चीज आएगा, अब इसमें अपनी टॉपिंग आ जाएगी। टॉपिंग बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने अभी एक चम्मच खाया, बहुत मस्त बनी है। ये ऑलरेडी पका हुआ है, ये वाला जो बेस रहता है ना ऑलरेडी पका हुआ रहता है। तो फिर अपन पहले से टॉपिंग को पका दो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट भी। ये हमारा पिज्जा बेस भी ऑलरेडी पका हुआ है, बस माइक्रोवेव में डाल के गरम कर दो और खा लो। हानिया का पिज्जा बन के रेडी हो चुका है, पूरा मेल्ट हो गया चीज उसके अंदर। अब इसमें भी चीज आ और जा रहा है, चीज पिज्जा की जान है। चीज पिज्जा की जान है, पिज्जा का मतलब पिज्जा नाम सुन के दिमाग में चीज ही आता है सबसे पहले। तो हमारे 2 पिज्जा रेडी है, अब 3 और बनेंगे, 5 के एक एक हो जाएंगे। इस पे देखो भाई मायोनीज भी डाल दिया है, हमारे पास नोजल रखी थी केक वाली उससे। तो अभी सभा के पापा आ गए हैं, अम्मी भी आ गई है खबर लेने सभा की, और पिज़्ज़ा भी टेस्ट कराते हैं इनको। और यहाँ हमारी हानिया बेबी के तो आइसक्रीम ही ख़त्म नहीं होती, घर की बनी हुई कुल्फी है। हाँ रसना है, गिलास में भर के मैं डंडी डाल दी। 5 रुपये की, 5 रुपये बताओ कैसा, पहली बार बनाया चिकन का। मैं तो पिज्जा पहली बार ही खा। अच्छा पिज्जा पहली बार ही खा रहा है। पहली बार ही खा रहे हो। चलो बढ़िया, बहुत शानदार बना। अच्छा बहुत शानदार। हाँ दुलवा दे इसके टप में, जब ला दे वो सिलप चाहिए ना, उसके सिलेंडर पे रखी। हाँ हमारा पिज्जा बन गया है, ये रहा हानिया खाएगी अब। आपको अच्छा लगता है पिज्जा? लगता है। तो खाते तो हो नहीं आप? आने को तंदा है, ये बाबा का कलर है। हाँ। ये जो तंदा है, ये कलर नहीं। चलो इसको केचप में डालते हैं थोड़ा। अब खाते हैं ना? चलो खाते हैं इसको। बहुत बढ़िया है। हाँ जी अम्मी जी। जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गई। क्या पापा, मुझे पापा बनाना है। तो अभी दोस्तों मेरा फ्रेंड आ गया था घर पर, तो वो बोलता कि नितेश से मिलकर आते, उससे शादी हुई तब से जाहिद तो मिला ही नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं नितेश से मिलने उसके रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। और जाते जाते आपको ये रूट दिखा देते, हमारे यहाँ का सबसे बिजी रूट है ये, इसे कहते हैं AB रोड, और काफ़ी बिजी है ये, हमारे शहर का सबसे बिजी रोड माना जाता है। और नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर,
सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज वगैरह यहाँ पर सब कुछ है, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देते हैं इस बहाने। ये जो रोड है ना, ये 24 आवर्स तक ओपन रहने की परमिशन है इसको। यहाँ पर जो भी शॉप्स है उसे आप रात भर पूरी रात ओपन रख सकते हैं। बाकी हमारे सिटी के अदर जगहें जो है वहाँ पर परमिशन नहीं है, सिर्फ इसी रोड पे 24/7 ओपन रहने की परमिशन है। अभी इस वक्त दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं और आप ट्रैफिक देखो कितना है, आपको लग नहीं रहा होगा रात के 11 बज रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो रोड है सबसे ज़्यादा बिजी रोड है, सबसे ज़्यादा चलता है हमारे इंदौर में। और अभी आगे जो स्क्वायर आ रहा है ये विजयनगर स्क्वायर है, और ऊपर जो ब्रिज देख रहे हो ये मेट्रो का ब्रिज है, मेट्रो ट्रेन इस पर चलेगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब कंप्लीट होगा। बहुत टाइम से ये चल रहा है इसका काम, लॉकडाउन की वजह से ना थोड़ा स्लो हो गया था इसका काम, लेकिन अब तेज़ी पकड़ी है, अब देखते क्या होता है, कब तक होता है। और ये जो बस चल रही है इसे आई बस कहते हैं। इसका बीच में ना हमारे अलग ही रूट बनाया हुआ है, और हर स्क्वायर में ना इसका एक स्टॉप होता है, और फटाफट हमारे डेस्टिनेशन पे ये हमें पहुंचा देती है, क्योंकि रास्ते में इसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, इसका अलग ही रूट बना हुआ है। अभी हम आ चुके हैं हमारे दोस्त से मिलने, शादी के बाद। तू तो आज मिल रहा ना फर्स्ट टाइम, शादी के बाद फर्स्ट टाइम अब मिल रहा, उसकी शादी के टाइम बाद फर्स्ट टाइम। हाँ उसकी शादी का मैं तो मिल लिया था, उसका मोबाइल ऑर्डर करा था, तो आपका ब्लॉग अपने ब्लॉग में देखा ही होगा। यहीं पर वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है, मैनेजर है यहाँ का। ये जो रोड है हमारे सिटी का, ये पूरी रात ओपन रहता है, यहाँ की हर चीज़ पूरी रात ओपन रहती है। रेस्टोरेंट में इनका पूरी रात ओपन रहता है भाई, पूरी रात ओपन रहता है ना तुम्हारा रेस्टोरेंट? हाँ 3 बजे। अरे गीला इसलिए हुआ, गीला तो क्या हुआ, जिटर होता है सर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, बैठे बैठे हमको आधा पौन घंटा तो हो गया होगा, तो टाइम हो गया, एक घंटा हो गया, मालूम नहीं चला। बहुत सारी बातें करी हमने, बहुत दिन के बाद मिले, नहीं कर सकते वो तो दोस्तों की बातें होती है आप जानते ही हो। चलो चलो चुका हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।